भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर मेवाड़ रॉयल्स और केईआई एम्पावर के बीच मैच हुआ। टॉस मेवाड़ के कैप्टन हर्षवर्धन ने जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले मेवाड़ रॉयल्स ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 208 रन बना दिए और दूसरी पारी में केईआई एम्पावर की टीम ने 169 रन बनाए 18.2 ओवरों में 10 विकेट खोकर। दोनों टीम में से अच्छा प्रदर्शन गोविंद ने शानदार 100 रन 33 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 9 छक्के मारे। हर्षवर्धन ने 24 रन 17 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के मारे। शकील ने 36 रन 17 बॉल में बनाए। वहीं बॉलिंग में शानदार राहुल भारद्वाज ने अपने 3 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट लिए। हर्षवर्धन ने अपने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। विकास चौधरी ने 4.0 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए। इस मैच में मेवाड़ रॉयल्स ने 39 रन से विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच गोविंद रहे, जिन्हें भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। दूसरा मैच ऑल इन वन क्रिकेट क्लब और तेजस फाइटर के बीच हुआ। टॉस तेजस फाइटर के कैप्टन पार्षद अमित नाहटा ने जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। ऑल इन वन क्रिकेट क्लब ने 20 ओवर में 224 रन 6 विकेट खोकर बनाए। वहीं दूसरी पारी में तेजस फाइटर ने 20 ओवर में 214 रन 9 विकेट खोकर बनाए। दोनों टीम में से अच्छा परफॉर्मेंस दलवीर सहरावत ने शानदार 84 रन 39 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के मारे। पार्षद नरेंद्र खटाना ने 63 रन 24 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के मारे। विक्की दायमा ने 52 रन 25 बॉल में, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के मारे। वहीं बॉलिंग में शानदार नरेंद्र खटाना ने अपने 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट लिए। नितेश वशिष्ठ ने अपने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए। भरत दायमा ने 2.0 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिए। इस मैच में ऑल इन वन क्रिकेट क्लब 10 रन से विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच नरेंद्र खटाना रहे, जिन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।